हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी, ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टन डिस्टेंस, देन पहला ऑप्शन दिया है ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, और तीसरा है बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस, और चौथा ऑप्शन दिया नन। तो हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहां पे कि ट्रक और कार दोनों मोशन में है और दोनों की इनिशियल जो वेलोसिटी वो सेम है क्योंकि इक्वल वेलोसिटी हमें गिवन है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद दोनों भी आगे जाके रुकने वाले हैं, मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये कि यहां पे दोनों की, मतलब ट्रक की और कार की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है वर्क डन, राइट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो यहां पे जैसे हमने कहा कि दोनों की इनिशियल स्पीड सेम थी, फाइनली दोनों जाके रुकने वाले हैं, मतलब इनमें जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो सेम है। अब यहां पे हम लोग जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जो है वो सेम रिटार्डिंग फोर्स यहां पे प्रोड्यूस करेगा, मतलब इनके लिए एफ की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है, फोर्स अगर दोनों के लिए सेम है इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ विल बी सेम। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस। ओके,